लातेहार में माओवादी सदस्य जितेंद्र डागेसिया ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड सरकार की उग्रवाद आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित होकर जितेंद्र डागेसिया ने आत्मसमर्पण किया है। जितेंद्र डागेसिया 4 से 5 वर्षों से संगठन से जुड़कर लातेहार जिले के कई थानों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का नतीजा अब सामने आ रहा है। बूढ़ा पहाड़ में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था, जिसके बाद नक्सलियों में दबाव बढ़ा। सरकार की स्कीम के अंतर्गत इनको कई लाभ हैं, जमीन है, इनके बच्चों की पढ़ाई है, वो सब इनको प्रदान किया जाएगा। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि अगर कोई नक्सली से अब मुख्य धारा में आना चाह रहा है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, उनके लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन है। नगेसिया जो गढ़वा के भंडरिया थाना के रहने वाला था, पिछले करीब 5 वर्षों से ही छोटू खेरवाद और बूढ़ा पहाड़ के रास्ता के साथ जुड़ा हुआ था, और आज ये सरकार की जो सेंट्रल पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर के मुख्यधारा में जुड़ने का इन्होंने निर्णय लिया है, और मेरे और उपायुक्त महोदय के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनके परिवारजन भी आज आए हैं।